Hey guys, welcome to my channel That Glam Curl. और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बालों को लंबा घना करने का तरीका, आपके बाल कितने ज्यादा अच्छे से बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कैसे हो सकते हैं, आपके जो हेयर हैं उनमें सिल्कीनेस कैसे आ सकती है, और जो आपके बाल हैं उसमें हेयर फॉल कैसे रुक सकता है, डैंड्रफ कैसे आ सकता है, कोई भी हेयर प्रॉब्लम है, इस वीडियो में मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगी करने की, जो मैं आपको हेयर ऑयल बताऊंगी बनाने के लिए, वो आप जरूर फॉलो करें गाइस, उससे आपकी हेयर की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। इसके अलावा जो आपके बाल हैं उनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली होगी। तो देख लेते हैं इस हेयर ऑयल को कैसे बनाना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके बालों में लगाना और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। फर्स्टली यू विल नीड 4 टीस्पून ऑफ कलौंजी, दैट इज अनियन सीड्स। अनियन सीड्स हैव न्यूट्रिएंट्स दैट मेक योर हेयर लॉन्ग, थिक एंड शाइनी, एंड इट ऑल्सो हैज विटामिंस that stop your hair fall and hair breakage. Then I'll need 2 teaspoons of fenugreek powder, that is methi dana powder. Fenugreek has high amount of protein that prevents baldness and graying of hair. If you want, you can take fenugreek seeds also. Then I'll take some mustard oil, that is sarson ka tel. And lastly, I'll take 10 to 15 neem leaves. Now let's check out the oil recipe. Firstly, in a pan at a low flame, add all the ingredients. So firstly, I'll add 2 cups of mustard oil into this pan. Then I'll add kalonji. Then after that, I'll add some neem leaves and fenugreek powder. Mix all of these and let it stay for 15 minutes at a low flame. After 15 minutes, you can see that all the nutrients of these ingredients have been absorbed into the oil. Now let it cool down and then you can strain it in any container. Now your hair oil is ready. अपने हेयर में अप्लाई कर लेती हूँ। इस हेयर ऑयल को मैंने अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लिया है और अपनी फिंगर टिप से इस तरीके से मैं इसे मसाज भी करती हूँ। अब इसके बाद मैं इसे अपने एंड्स पे अप्लाई कर लूंगी, अपनी सारी हेयर लेंथ पे भी मैं इसे थोड़ा सा लेके और अप्लाई कर लूंगी। सो इसे आपको रात को अप्लाई करके सो जाना है और फिर मॉर्निंग में अपने बालों को शैम्पू कर लें। सिर्फ आपको शैम्पू अप्लाई करना है और कुछ नहीं। और ये है कुछ माइल्ड शैम्पूज की लिस्ट, इनमें से आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से अपने हेयर को एयर ड्राई कर लिया है और एक ही बार में आपके हेयर के जो वॉश होता है उसके अंदर के हेयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लगते हैं। इस हेयर ऑयल में मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, जो भी मैंने आपको ऐड करवाई हैं चीजें, उससे क्या होगा आपके बाल जो है वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही, इसके अलावा आपके बालों में जो कोई हेयर फॉल होता है वो भी हट जाएगा, जो आपके बाल है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सिल्की बनेंगे। ऑल्सो गाइस आपके बालों की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। सो अभी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। इसके बाद गाइस 3 महीने का चैलेंज दे रही हूँ मैं आप लोगों को, आप 3 महीने तक ये चीज फॉलो करेंगे। 3 मंथ तक आपको ये हेयर ऑयल लगाना है वीक में ट्वाइस, एक बार भी मिस नहीं करना। और उसके बाद आप 3 मंथ बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके वापस जरूर लिखिएगा कि आपके जो हेयर है वो कितने इंचेस तक बढ़े। तो ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर कीजिए, 100% सक्सेसफुल है। मैंने बहुत सारे लोगों पर ये चीज ट्राई करी है और डेफिनेटली उनकी हेयर ग्रोथ भी हुई है, तो आप लोगों के लिए भी ये 100% वर्क कर सकता है। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ऑल्सो इफ यू वांट टू शेयर माय वीडियो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको अपने हेयर बहुत जल्दी ग्रो करने हैं। सो गाइस ये जो वीडियो है ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं है, ये सब लोग यूज कर सकते हैं, चाहे आप एडल्ट हो, चाहे आप मेल्स या फीमेल्स हो, आप आराम से इसको चीज को यूज कर सकते हैं और अपने हेयर की क्वालिटी टेक्सचर इंप्रूव कर सकते हैं। सो आज जिस गर्ल का नेम मेरी वीडियो में लूंगी वो है अंजलि जांगिर। सो शाउट आउट टू यू गर्ल। एंड गाइस अगर आप लोग चाहते हैं आप सब में से भी किसी एक पर्सन का नेम मेरी आने वाली वीडियोस में लूं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करके नीचे कमेंट कर लें डन, इससे मैं आप सब में से किसी एक पर्सन का नेम मेरी आने वाली वीडियोस में लूंगी। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरी लेटेस्ट लाइफ अपडेट भी जान सकते हैं। सो मेक श्योर टू कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।